एके ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 5 जो कि मैं कल वीडियो बनाई थी उसमें था आपका 4 चैप्टर तक EBS का पर्यावरण और हम में चैप्टर 4 तक का मैं बनाई थी। आज है आपका 5 चैप्टर का स्वाद अलग अलग। चैप्टर का नाम है आपका स्वाद अलग अलग और है SCERT का है ये बिहार SCERT का ये नोट्स है आपका और ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ जिसका चैप्टर का नाम है 5 चैप्टर। 4 चैप्टर तक मैं आपने देखा होगा कंप्लीट कर दी थी, अब मैं 5 चैप्टर को करने जा रही हूँ स्टार्ट। तो इसमें है स्वाद अलग अलग 5 चैप्टर में मुंह में किस अंग की वजह से स्वाद का पता चलता है। तो जीभ की वजह से क्या होता है, जीभ की वजह से मुंह में किसी भी चीज़ को खाते हैं तो उसका स्वाद का पता चलता है। दांतों के प्रकार, दांतों की प्रकार छेदक या कर्दक यानी छेद के कितने प्रकार हैं, तो वो है पहला है छेदक या कृदंत, जो कृदंत होता है वो काटने का काम करता है। दूसरा है आपका भेदक, क्या है आपका दूसरा भेदक, भेदक या रदनक, भेदक या रदनक, भेदक या रदनक जो होता है वो फाड़ने के दांत होते हैं, वो क्या करता है फाड़ता है कोई भी चीज़ को काटने यानी तोड़ने का काम करता है। चवर्णक, चवर्णक जो होता है वो चबाने का काम करता है, चवर्णक दांत जो होता है वो चबाने का दांत होता है और वो चबाने का ही कार्य करता है। अब आते हैं आपका उम्र, उम्र किस किस उम्र में दांत कितना आता है और किस उम्र से बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी मैं। तो उम्र है और दांतों की संख्या, 6 माह का बच्चा जो होता है, 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसका दांत निकलना शुरू होता है। 2 से 3 वर्ष का जब हो जाता है तो उसके 20 दांत आ जाते हैं। 8 या 9 साल के वर्ष में दूध के दांत टूटते हैं और नए उगते हैं यानी नए आते हैं। 21 से ऊपर क्या होता है 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते हैं, सभी के दांत 32 नहीं होते हैं, किसी किसी के 32 दांत होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। अब नोट में कुछ जानवरों के दांत भी मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं, जैसे में क्या होता है कुछ जैसे मनुष्य होते हैं ना ठीक उसी प्रकार उनके भी दांत जानवरों के टूटते हैं और फिर से वहाँ पे नए दांत आते हैं। जैसे मैं उसका नाम बताना चाहूँगी घोड़ा और शेर है, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। सांप और मगरमच्छ जो होता है उनके दांत बहुत बार गिरते हैं झड़ते हैं और फिर वापस दांत आ जाता है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है आपको जानवरों और मनुष्य और जानवर में यानी सांप और मगरमच्छ में। अब है हरियाली, ये चैप्टर आपका 5 चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं 6 चैप्टर में है हरियाली और हम पेड़ों के महत्व को जानेंगे कि पेड़ों का क्या महत्व है, हरियाली से हमें क्या फ़ायदा होती है। पेड़ों का महत्व, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अवशोषित करते हैं जिससे वातावरण शुद्ध रहता है, क्या रहता है वातावरण शुद्ध रहता है। किसे पेड़ हमें क्या देती है तो ऑक्सीजन देती है। अगर कोई भी पूछ सकता है पेड़ हमें क्या प्रदान करती है या क्या देती है तो आप क्या बोलोगे, आंसर बोलोगे ऑक्सीजन देती है जिससे हम क्या करते हैं सांस ठीक से ले पाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं जिससे वातावरण क्या होता है शुद्ध रहता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं, गर्मी में धूल आदि से बचाते हैं, क्या करते हैं धूल से भूरक्षण से भी बचाते हैं। अब इसके उपयोग, इसके पेड़ों का क्या उपयोग होते हैं, किस लकड़ी जो होता है क्या चीज़ के काम में आते हैं, अब उसके उपयोगों के बारे में जानेंगे। अब उपयोग है पेड़ पौधे का नाम है,
यानी पेड़ पौधा को, पेड़ जो है और पौधा वो किस किस चीज़ों में हमें काम आती है, किस चीज़ बनाने के उपयोग में। तो इमारती लकड़ी है, शीशम, सखुआ, इमारती जो लकड़ी होती है ना, उन इमारती का चीज़ जो बनता है वो किस किस पेड़ पौधे से बनता है, शीशम, सखुआ, सागवान, महुआ, देवदार, कैल, चीरे, सिरसा, तून, आबनूस, आम, नीम आदि से बनते हैं। अब है इसके उपयोग साग सब्जी। साग सब्जी में हम लोग पेड़ पौधे का नाम जानेंगे। साग सब्जी में पेड़ पौधे का नाम होता है सरसों, बथुआ, चौलाई, मेथी, भिंडी आदि, ये सब हम लोग साग सब्जी में उपयोग करते हैं। अब आते हैं अनाज। अनाज में आता है मक्का, गेहूं, चावल आदि। दाल, दाल जो होता है अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना, मोट राजमा, सोयाबीन आदि। और ये सब जो है ना, मसूर का जो होता है खेती सबसे ज़्यादा एशिया ज़िले में होता है और भारत में होता है। एशिया भारत में सबसे ज़्यादा खेती मसूर की होती, किसकी होती है तो मसूर की होती है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। औषधि, औषधि में किस चीज़ के पौधे आते हैं, यानी ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और ये किस चीज़ में आते बनते हैं, ये दवाई बनाने यानी औषधि मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, उसका नाम जानेंगे। तुलसी, पुदीना, मेथी, सौंफ, धनिया, हल्दी, अदरक, ये सारे पौधे जो होते हैं छोटे छोटे वो क्या काम आते हैं, औषधि यानी घर में यूज भी करते हैं और उसे औषधि यानी मेडिसिन भी बनता है, दवाई भी बनता है। अब पेड़ जो है वो किस चीज़ का है वो बताना चाहूँगी, इसका भी औषधि बनता है। अमलतास, अर्जुन, अशोक, कचनार, गुंदा, जामुन, नीम, नीलगिरी आदि है। अब फल, फल में क्या हो जाता है, पपीता, नींबू, अंजीर, आम, अमरूद, जामुन, कीबू, कीनू, सेब, संतरा आदि। फूल, फूल के बारे में मैं इसके पहले चैप्टर में बताई हूँ कि रात में कौन सा फूल खिलता है और दिन में कौन से फूल खिलते हैं और एक साल में कौन सा फूल खिलता है, ये सारे आपको पहले चैप्टर में मैं बता सकूँ, पिछले वीडियो में बताई हुई हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ये नहीं करूँ, सिर्फ फूल के बारे में बताई हूँ। गेंदा, गुलाब, चांदनी, कनेर, गुड़हल, सदाबहार, मोगरा आदि। क्या है फूल, गेंदा, गुलाब, चांदनी, कनेर, गुड़हल, सदाबहार, मोगरा आदि है। अब खेजड़ी के वृक्ष की विशेषता बताना चाहूँगी मैं आपको। तो खेजड़ी वृक्ष की क्या क्या विशेषताएँ होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है, और ये खेजड़ी जो होता है एक वृक्ष है और खेजरली गांव भी है। खेजरली कहाँ है, तो ये राजस्थान में है खेजरली गांव, और खेजड़ी का वृक्ष भी वहाँ पाया जाता है। तो उसके बारे में जानकारी, उसकी विशेषता क्या होती है उसको मैं बताऊँगी आपको। पहला है आपका, यह राजस्थान के खेजड़ी गाँव में, खेजरली गांव के में पाया जाता है। यह कम पानी में जीवित रह सकता है। यह जो पेड़ है खेजड़ी का वो कहाँ होता है, राजस्थान में खेजड़ी गांव में पाया जाता है। यह कम पानी में जीवित रहता है, ये थोड़ा ही पानी में जीवित रहता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगती, क्या होता है इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो छाल होती है दवाई बनाने के काम में आती है, यानी औषधि बनाने की काम में आती है, जिसको इंग्लिश में आप लोग मेडिसिन बोलते हो। इसकी फलियां सब्जी बनाने की काम आती है, इसकी जो फलियां होती है वो क्या होता है कि सब्जी बनाने का काम आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी पत्तियां जो है वहां के पशु के खाने के काम आती है। क्या आता है, इसकी पत्तियां जो है पशुओं के खाने का काम आता है। अब है नेक्स्ट, इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। इस पेड़ की छाया में क्या होता है, बच्चा खेलता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, सेवन चैप्टर है जड़ों की पकड़। सेवन चैप्टर आपका होता है जड़ों की पकड़। तो जड़ों का क्या कार्य है इसके बारे में जानेंगे। जड़ों के कार्य, जड़ क्या होता है, पेड़ को सहारा देना। जड़ का काम क्या है, पेड़ को सहारा देना। दूसरा है आपका, पौधे के लिए खनिज लवण तथा पानी अवशोषित करना।
ये सारे कार्य हैं। तीसरा है कुछ जड़े प्रजनन कार्य भी करते हैं, जैसे शकरकंद, शलजम आदि। कुछ पेड़ क्या होता है, सहारा देता है, तो कुछ जैसे लतियाँ जो होती है उसे सहारा की ज़रूरत होती है। दूसरा है पौधे के लिए खनिज लवण तथा पानी अवशोषित करती है। तीसरा है कुछ जड़े प्रजनन कार्य भी करते हैं, जैसे शकरकंद, शलजम आदि, ये जड़े का काम करता है, ये जड़ में ही उपलब्ध होता है। अब आगे आते हैं पेड़ों का भोजन। पेड़ों का क्या भोजन है, हरे पौधे मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश को उपस्थित में क्लोरोफिल क्या करता है, ये हरे पौधे मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, पहला नंबर कि ये मिट्टी से खनिज लवण पदार्थ और जलवायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से उपस्थित में क्लोरोफिल का सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कहा जाता है। अब आते हैं रेगिस्तान ओक। रेगिस्तान ओक के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है, यानी रेगिस्तान या ऑस्ट्रेलिया जो होता है वहाँ पे ओक नामक का एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे दीवार की लगभग होती है, क्या होती है, उसके आपके कमरे की दीवार की लगभग होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती है। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है उससे 30 गुना इसकी जड़ें जमीन की गहराई तक जाती है। कितना गुना जाता है, तो 30 गुना। अगर आपको पूछ देता है क्वेश्चन में कि इसकी जड़ें यानी किसकी जड़ें, तो आप बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक नामक पेड़ जो पाया जाता है उसकी जड़ें कितनी गुना तक जमीन की गहराई तक जाता है, तो आपको ये आपका आंसर हो जाएगा 30 गुना। कितना गुना, 30 गुना गहराई इसकी जड़ें जमीन की गहराई तक जाती है। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती है, यानी जब तक पानी इसे नहीं मिलता, पानी प्राप्त नहीं मिलता, तब तक इसकी जड़ें क्या होते हैं, उसमें विकास होते रहता है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है, कहाँ जा इसकी पानी जो होता है ना, जड़ से बाहर पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब पानी की कमी यहाँ पे हो जाती है तो इस इलाके के आदमी लोग क्या करते हैं, या इंसान लोग, मनुष्य लोग अंदर में इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। आज आपका वीडियो इतना ही तक, अब नेक्स्ट को ये चैप्टर आपको आगे मैं बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।